हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी चल रही है और हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, बिजनेस मेथड का ये चैप्टर है और आज भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एडवर्टाइजमेंट इन विच सम पीपल आर ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम्स एंड पोस्टर्स ऑफ द एडवर्टाइज आइटम आर पुट अराउंड दैम इज कॉल्ड, वह विज्ञापन जिसमें कुछ लोगों को विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है एवं उनके चारों ओर विज्ञापित वस्तु के पोस्टर लगा दिए जाते हैं कहलाता है। तो ध्यान से पढ़िए, विज्ञापन का एक तरीका है, उसमें क्या करेंगे, एक आदमी खड़ा कर देंगे, उसको अजीब सी पोशाक पहना देंगे जोकर टाइप, और उसके आसपास जो वस्तु आप विज्ञापन कर रहे हो उसके फोटोज लगा देंगे, तो वो विज्ञापन कौन सा कहलाता है? एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट, सुनने में अच्छा लगता है, सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, या नन ऑफ द अबव? तो इसे हम कहेंगे सैंडविच मैन विज्ञापन। तो बहुत ही अच्छा सा नाम है सैंडविच। सैंडविच मैन किसे कहेंगे? तो जैसे यूं समझो, सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में मसाला होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें पोस्टर होते हैं आगे और पीछे और बीच में इंसान होता है। कैसा होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, समझ जाएंगे। तो ये देखो, अब इसमें एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का है, फूड आइटम्स का है। लाइक आपको ये दिख रहा होगा पिज्ज़ा वगैरह, बर्गर, कोका कोला वगैरह दिख रहा होगा। तो इस आदमी ने क्या कर रखा है, आगे पीछे पोस्टर लगा रखे हैं, बीच में खुद है, तो खुद मतलब एक तरह से सैंडविच बना हुआ है। तो ये सैंडविच मैन विज्ञापन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर एवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस, दिस स्टेटमेंट इज, जहाँ कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है, ये कथन है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब हर जगह विज्ञापन है सर, हर जगह। आप कहीं निकल जाइए, बाजार, आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए देख लीजिए, हर जगह विज्ञापन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये किसने कहा है? प्रोफेसर हैपनर ने कहा है, वॉटसन डूने ने कहा है, विंस्टन ने या बॉर्डन ने? तो ये कहा है वॉटसन डूने ने, ठीक है। तो उनका ये कथन था कि जहाँ कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है, वेयर एवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य या उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं विज्ञापन के, तो आप पहचानिए इसमें, नए कस्टमर क्रिएट करना, सेल्स को बढ़ाना, मेकिंग मोर प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से, या ये सब मुख्य उद्देश्य हैं बताइए? तो नए ग्राहक बनाना ऑब्वियस ही बात है, सेल बढ़ाना, लाभ कमाना, ये सब इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा सर। वैसे देखा जाए तो एक चीज़ में इसमें सारी चीज़ें समाहित है, जैसे ही आप नए ग्राहक बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी सेल ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो ये सब मिली जुली बातें हैं, पर ये सब मिला के विज्ञापन के मेन उद्देश्य हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक विज्ञापन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाजार में लाते हो तो लोगों को उससे अवेयर कराने के लिए विज्ञापन की ज़रूरत है। इंट्रोड्यूस अ ब्रांड, अगर आप कोई ब्रांड लाए हैं सामने या अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप विज्ञापन कीजिए, ताकि लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड के प्रति छवि छप जाए। अवेयरनेस क्रिएशन, लोगों में अवेयरनेस लाना, अक्वायर कस्टमर, ये तो है ही मेन कि आप कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लाना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन, दूसरों से अलग दिखाना कि हम कैसे लोगों से अलग हैं, या तब भी आप अलग हो जाते हैं जब लोग कुछ विज्ञापन नहीं करते और आप विज्ञापन करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग, आप अपने ब्रांड को रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं। पोजिशनिंग, आप बाज़ार में एक पोजिशन हासिल करना चाहते हैं कि हम सस्ते लोगों के लिए हैं, मतलब गरीब लोगों के लिए हैं, मध्यम वर्ग के लिए हैं, अपर क्लास के लिए हैं, हम किन के लिए हैं, तो हम एक पोजिशनिंग लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सेल्स को बढ़ाना ऑब्वियस ही बात है, सेल बढ़ेगी तो इंक्रीज होगा प्रॉफिट। लोगों में इच्छा उत्पन्न करना और कॉल टू एक्शन, लोगों को क्या करना है अगर उन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए तो उन्हें क्या करना होगा, उनको कॉल टू एक्शन देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर ईजिली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा, अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको, मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो
तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन हैं। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो, अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट हम ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। पता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। बाय द वे आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें, द डेल्फी टेक्निक इज रिलेटेड विद अ सेल कोटा, सेल फॉरकास्टिंग टेक्निक, सेल्स टेरिटरीज, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है डेल्फी टेक्निक का संबंध किसके साथ है, तो अब डेल्फी टेक्निक का संबंध है फॉरकास्टिंग से, ठीक है, बिक्री के पूर्वानुमान से। सर ये कैसे पता लगेगा हमें? देखो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, कंपनी को किस लाइन में जाना चाहिए, कंपनी को कौन से प्रोडक्ट उतारने चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन सब के बारे में एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली जाती है। तो मान लीजिए कि 5 एक्सपर्ट्स को हमने कह दिया कि सेल का अनुमान लगाइए, उसके लिए आइडियाज़ बताइए, और उन 5ों को अलग अलग काम दिया, ठीक है, वो 5ों अलग अलग इंडिविजुअली काम करेंगे, इंडिविजुअली वो कुछ आइडियाज़ लेके आएंगे। इससे क्या होगा, मतलब जब आप एक मीटिंग में बैठते हैं ना, तो क्या होता है कई बार जब आप आमने सामने बैठते हैं, आपका बॉस आपके सामने बैठा है, वो कोई बात कहता है, तो आप रिजेक्ट नहीं कर पाते या हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हो जाते हो, तो आपके अंदर अगर वो बात है तो निकल के नहीं आ पाती है, वो डोमिनेट कर लेता है, वो जो कहता है बाकी सब लोग मान लेते हैं। लेकिन डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, अलग अलग एक्सपर्ट से इंडिपेंडेंट अपन उनसे राय लेते हैं और फिर उसको कंपाइल किया जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ाता हूँ आपको। तो ये सॉल्व सेल फॉरकास्टिंग की टेक्निक है, जरा सुनिएगा। डेल्फी टेक्निक, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यूज टू मेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, ठीक है, लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं आप लोग, इंग्लिश वाले तो बड़े आराम समझ रहे हैं। प्रोजेक्शन मतलब होता है आगे के लिए अनुमान लगाना। इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है या वो कंपनी में होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप लंबे समय के लिए पूर्वानुमान लगाइए, और उसमें इश्यूज लाइक फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस कंडीशंस, बिजनेस एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट कंडीशंस, और उसमें बड़े बड़े भारी भारी मैटर डिस्कस किए जाते हैं कि व्यवसाय की अभी स्थिति क्या चल रही है, व्यवसाय में अभी कौन कौन से काम हो रहे हैं, किस टेक्निक से काम हो रहा है, किस पे जाना चाहिए, नया प्रोडक्ट डेवलप करें क्या, और मार्केट की क्या कंडीशन या सेंटीमेंट्स हैं। दीज एक्सपर्ट्स आर कैप्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर ओपिनियंस आर एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली। खास बात यह है कि इनके जो कहें, इनको एक दूसरे से लाइक अलग रखा जाता है, मतलब आपको मिलके नहीं करना, अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली जाती है। दे प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉरकास्ट विच आर देन कंपाइल्ड एंड देन गिवन बैक टू देम फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ प्रोजेक्शन। उसमें क्या होता है, ये लोग अपने खुद के फॉरकास्ट इंडिविजुअली तैयार करते हैं, फिर उनका कंपाइलेशन होता है, और फिर जो बिल्कुल बेकार आइडियाज़ हैं उनको हटा दिया जाता है, जिन आइडियाज़ पे अब और आगे जाके सोचना है उन पे सेकंड राउंड ऑफ प्रोजेक्शन होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ कंसेंसस फॉरकास्ट ऑफ द फ्यूचर इमर्जेस। मतलब फ्यूचर में क्या करना है, किस तरफ जाना चाहिए,
उसके लिए अगर जब तक कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता, यानी आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक इस प्रोसेस को किया जाता है। द डेल्फी टेक्निक हैज़ द एडवांटेज ऑफ एलिमिनेटिंग द ग्रुप प्रेशर ऑफ अ टिपिकल कमिटी मीटिंग। तो जो कमिटी मीटिंग होती है, मान लीजिए एक प्रिंसिपल सर हैं हमारे, वो हमारी मीटिंग बुला लें कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ वैसा सोच रहा हूँ, तो हम में से फिर कौन ही मना करेगा। लेकिन अगर वो हमें फ्री हैंड दे दें कि भाई कॉलेज के बेटरमेंट के लिए ये आइडियाज़ हैं, इसे आप बिज़नेस में लगा लीजिए, बिज़नेस के बेटरमेंट के लिए क्या क्या आइडियाज़ है, तो एक्सपर्ट्स को बुला के उनकी फ्री ओपिनियन ली जाती है और उनके ऊपर किसी तरह का ग्रुप प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक का संबंध है फॉरकास्टिंग से, सेल फॉरकास्टिंग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है? द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेज द प्राइस, विज्ञापन की वजह से कीमतें बढ़ती है। ये एक हद तक सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि देखो अगर विज्ञापन है तो उसमें जो स्पॉन्सर होता है उसकी लागत भी होती है, अब उसकी अगर सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो वो सेल प्राइस को भी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो ऊन होती है वो भेड़ की ही काटी जाती है, यानी अल्टीमेटली तो है ना ऊन भेड़ की ही कटनी है। तो इसका मतलब है भले विज्ञापन से आप कस्टमर्स को जागरूक करो, कस्टमर्स की अटेंशन स्पैन खींचो, कस्टमर तक पहुँचो, लेकिन इन सब की जो लागत आती है वो विक्रेता ग्राहक से ही तो वसूल करेगा। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसको दूसरे तरह से आर्ग्यू करते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी या मोटे तौर पे यह बात सच है कि विज्ञापन की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो मैं इसको ट्रू स्टेटमेंट का दर्जा दूंगा। द बिजनेस एंड द प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। ये कह रहा है कि ये ना बिजनेस और प्रॉफिट वगैरह विज्ञापन से नहीं बढ़ते, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि बढ़ते हैं विज्ञापन से। अगर आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, मैं एक आपको बात बताता हूँ, किसी ने मुझे बताई थी, कहते हैं कि अगर कोई आदमी को बिज़नेस में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। हालांकि मार्केटिंग एक बड़ा टर्म है और एडवर्टाइजमेंट उसका पार्ट है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्या बताया मैंने, या तो बंदे का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता बंदा, या प्रोडक्ट तो अच्छा है पर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, यानी मार्केटिंग का इतना इंपॉर्टेंस है। तो मार्केटिंग करने से नो डाउट आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचते हो और फिर आपका सेल वगैरह प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा फॉल्स था, एडवर्टाइजिंग इज़ अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, ये ट्रू है। देखिए विज्ञापन आपके लिए वरदान या अभिशाप किसी भी तरह का हो सकता है, आप विज्ञापन की बुराइयाँ या आलोचनाएँ सुनेंगे, क्रिटिसिज्म सुनेंगे तो आपको लगेगा विज्ञापन से बहुत खराबियाँ हैं, लेकिन विज्ञापन के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, तो ये मिक्स्ड ब्लेसिंग है। द एडवर्टाइजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, हाँ ये बात सच है कि एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग हो सकती है, भ्रमित करने वाली हो सकती है, धोखे में डालने वाली हो सकती है, चालाकीपूर्ण हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। तो सेकंड बड़ा आसान था, सेकंड स्टेटमेंट कि विज्ञापन से व्यवसाय और लाभों में वृद्धि नहीं होती है, ये कहना फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल हैव टू बी इंक्रीज बाई यूजिंग स्पेशल टैक्टिक्स, कहता है विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है विशेष युक्ति का प्रयोग करके बिक्री बढ़ाना। सेकेंड कहता है न्यू कस्टमर हैव टू बी क्रिएटेड एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर हैव टू बी मेड परमानेंट, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है नए ग्राहकों का सृजन करना और विद्यमान ग्राहकों को स्थायी बनाना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और पढ़ दीजिए, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, ये बाय डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर विज्ञापन बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और चौथा है फ्री नमूना देकर ग्राहकों को अस्थायी रूप से आकर्षित करना, ये भी नहीं। विज्ञापन का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि एक तो जो हमारे कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो बने रहें, और दूसरा नए से नए कस्टमर हमें मिलते रहें। विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, एट द सेम टाइम हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमारे पास रिटेन रहें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं, वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे, आप आराम से उनको देख सकते थे, पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे। बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर की निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो
इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैंपल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 एमसीक्यू हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। बुक का जस्ट फ्रंट कवर है, तो इसके अंदर आपको 1500 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप किस इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पर प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। द मैसेज ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन मैसेज, ओरल मैसेज, विजिबल एंड इनविजिबल मैसेज, ऑल दिस। विज्ञापन के अंतर्गत आप क्या करते हो, संदेश पहुँचाते हो। संदेश किस बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अपने सर्विस के बारे में, या अपने आइडिया के बारे में। तो संदेश किस तरह का हो सकता है, रिटन राइटिंग हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। क्या वो ओरल हो सकता है, बिल्कुल सर ओरल भी हो सकता है। जैसे आप जब रेडियो FM यूज़ करते हैं, या आकाशवाणी यूज़ करते हैं, TV यूज़ करते हैं, इंटरनेट के मीडियम सोर्स करते हैं, ओरल मैसेजिंग हो सकती है, वीडियो वगैरह। रिटन मैसेजेस हो सकते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, ये सभी आपके संदेश के रूप हो सकते हैं। तो ये सभी इसका आंसर आएगा, उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ -- स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसको P4 कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग के जो 4 एलिमेंट होते हैं, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा P4। अब क्या होता है, पहले उनको देख लीजिए, फिर वैसे इसका आंसर पहले से बता दूं मैं आपको। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, और P4 क्या होता है ये तो समझना बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, पहला P होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, आप ये डिसाइड करते हैं। सोचिए, आप सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ साबुन का। आपकी फैक्ट्री में या फैक्ट्री में साबुन बनाया जाता है, तो पहले आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्वालिटी होगी, उसका नाम क्या रखोगे, उसमें क्या फीचर होगे, उसके क्या पैकेजिंग करोगे, ये सब तय होता है। यानी सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को तय करते हो। प्रोडक्ट के बाद मेन सेकंड आता है प्राइसिंग। आप प्राइसिंग तय करते हो कि इसकी कीमत कितनी होगी, डिस्काउंट कितना दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन कितनी होगी, क्रेडिट दोगे या नहीं दोगे, ये सब प्राइसिंग में तय होता है। एक होता है प्लेस, ये थोड़ा गलत हो गया है, प्रमोशन इधर होता है, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन में आप ये डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज़ कैसे करोगे,
पर्सनल सेलिंग यानी वन टू वन सेल करोगे क्या, सेल प्रमोशन यानी जो सेल प्रमोशन की टेक्निक्स होती है बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की चीज़ें आप करोगे क्या, पब्लिक रिलेशन, ये सब प्रमोशन में आता है। और एक होता है प्लेसिंग, प्लेसिंग यानी आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, होलसेल में बेचोगे, रिटेलर्स को बेचोगे, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचोगे, लॉजिस्टिक क्या होगा, वेयर हाउसिंग क्या होगी, ये सब प्लेसमेंट होती है। तो ये P4 कहलाते हैं। और ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मेन ये चीज़ें थी। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि विज्ञापन किस चीज़ का हिस्सा है, विज्ञापन क्या प्रोडक्ट का हिस्सा है, नहीं, क्या प्लेसमेंट का हिस्सा है, नहीं, ये है प्रमोशन संवर्धन का हिस्सा, ठीक है, तो इसलिए ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर बिजनेस B2B आर नोन एज, ऐसे विज्ञापन जिसमें अपन डायरेक्ट कस्टमर्स को टारगेट नहीं करते, अपन किसी और बिजनेस को टारगेट करते हैं, वो बिजनेस पे कस्टमर्स को खींच के लाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम जब विज्ञापन करें तो हमारा जो टारगेट है वो एंड कस्टमर ना होकर बिजनेस हो। तो जब हम B2B काइंड ऑफ विज्ञापन करते हैं तो वो कहलाते हैं ट्रेड एडवर्टीजमेंट, व्यापारिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक बुकलेट छपाएं, और बुकलेट छपा के मान लो हम एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और हम एक बुकलेट ड्रेसेस की छपवा के जो मेन मेन होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं उनको भेजें, या कोई कैलेंडर डायरी वगैरह या कुछ भी हम उनको भेजें जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो कस्टमर को नहीं बताएं, हमारे दुकानदार भाइयों को बताएं ताकि वो फिर कस्टमर को बेचें, तो ये कहलाएगा आपका ट्रेड एडवर्टीजमेंट। वैसे रिटेल एडवर्टीजमेंट और कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट लगभग एक जैसे होते हैं, उसमें सीधा आप एंड कस्टमर को टारगेट करते हो। और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट तो ऐसा होता है कि जैसे आप काउंटर को सजा लीजिए, ठीक है, डमीज वगैरह लगा दीजिए, तो वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। तो एक विज्ञापन जिसमें एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को टारगेट किया जाता है वो होता है ट्रेड एडवर्टाइजमेंट या व्यापारिक विज्ञापन। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच मेथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल। तो एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, इसका सबसे साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड कौन सा है। फर्स्ट मेथड कहता है ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड। पहला मेथड तो कहता है भैया आप जितना पैसा खर्च कर सको आपको विज्ञापन पे खर्च करना चाहिए, मतलब जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना खर्चा हमें करना चाहिए, ये कोई मेथड लॉजिकल मेथड नहीं हुआ। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, दूसरा मेथड कहता है कि आप ये देखो कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप भी उतना खर्च कीजिए, तो ये भी कोई लॉजिकल मेथड नहीं है। तीसरा कहता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये लॉजिकल मेथड है, ये बिल्कुल लॉजिकल मेथड है कि आपका उद्देश्य क्या है, उसके लिए आपका टास्क क्या होना चाहिए, और उसके लिए आप कितना बजट स्पेंड करने को तैयार हो। अभी एक आएगा कि ये तीन स्टेप में होता है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन का बजट कितना होगा इसके लिए आपको उद्देश्य एवं कार्यविधि पद्धति, ये सबसे मेथड है। चौथा है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, की मान लो आपने एक तरीका बना लिया कि मैं तो ना जितनी सेल होगी उसका 5% विज्ञापन पे खर्च करूंगा या 10% विज्ञापन पे खर्च करूंगा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट ये कोई लॉजिकल या साइंटिफिक तरीका नहीं है, या कम लॉजिकल तरीका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपके इस तीसरे वाले तरीके में क्या होता है, इसे इसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और टास्क सेट करोगे। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता दूँ, आप जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहले हिंदी में भी है, सबसे पहले आप उद्देश्य डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, मान लीजिए मैं मेरी बात कर लूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप डाउनलोड 10% बढ़ जाएँ इस साल, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ऐप्स हैं वो 10% बढ़ जाएँ, तो वो तो ये तो मेरा उद्देश्य हो गया कि मैं अपने डाउनलोड्स बढ़ाना चाहता हूँ। फिर मुझे ये पहचानना पड़ेगा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कोई कहेगा सर आप फेसबुक पर एड्स लगाओ, यूट्यूब पर एड्स लगाओ, व्हाट्सएप पर लगाओ, टेलीग्राम का पेड वाला चैनल खरीदो, ऐसा कुछ, ये कोई तरीके होंगे। और तीसरा फिर मुझे उसमें कितनी अनुमान आएगी कि मैं यूट्यूब ऐड लगाऊंगा, फेसबुक ऐड लगाऊंगा, तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने उद्देश्य डिसाइड किया कि आप चाहते क्या हो, हम अपने कस्टमर को 10% बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड में क्या होता है, कार्यों की पहचान करना कि हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, वो जो कार्य है उसकी कितनी लागत आएगी। तो इसे विज्ञापन से जोड़ दीजिए कि उस टारगेट को हासिल करने के लिए हम विज्ञापन पे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये सारी बातें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अब इंग्लिश में भी आ रहा है, जस्ट अ मिनट, कि ये ऑब्जेक्टिव और टास्क मेथड है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, फिर टास्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और लास्ट में कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। तो ये आपका साइंटिफिक मेथड है। ओके, आज दो क्वेश्चन बोनस है। विच मीडिया इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजमेंट बट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम। निम्न में से कौन सा माध्यम ऐसा है जो विज्ञापन के लिए बहुत प्रभावी है लेकिन सबसे महंगा माध्यम भी है। सॉरी,
तो आप पहचानिए, आपका खर्चा टीवी में ज़्यादा आएगा, होर्डिंग बैनर जो लगाए जाते हैं उसमें ज़्यादा आएगा, रेडियो में ज़्यादा आएगा, या एग्जीबिशन आयोजित करने में। टीवी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, उसमें पर सेकंड फीस चलती है। हो सकता है कि 30 सेकंड का अगर आपको ऐड देना है, 30 सेकंड यानी आधे मिनट का ऐड देना है, तो 25,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक देने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जिस चैनल पे आप दे रहे हो या जिस प्रोग्राम के बीच आप अपना विज्ञापन कर रहे हो, है ना, उसे कितने लोग उस समय देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपका सेट होता है कि कितना आपको देना पड़ेगा। तो टीवी टीवी की रीच बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते ही देखते हैं, तो उसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो। मान लीजिए आप किसी नेशनल चैनल पे चले जाते हो, नेशनल चैनल पे 30 सेकंड का ऐड देते हो, तो अब आप देखिए कि एक साथ करोड़ों लोगों तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको तगड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। होर्डिंग तो क्या होगा, किसी शहर में लगाओगे तो कितने लोगों तक पहुंच जाओगे। रेडियो है, रेडियो की भी वाइड रेंज होती है, लेकिन वो टीवी के मुकाबले कम पॉपुलर है, क्योंकि वो केवल ऑडियो होता है। और एग्जीबिशन अगर आप लगा भी दोगे तो कितने लोगों तक रेंज कर पाओगे, ज़्यादा लोगों तक रेंज नहीं कर पाओगे। तो कौन इसमें क्वेश्चन में दो बातें एक साथ हैं, एक तो विज्ञापन के लिए बहुत प्रभावी होना चाहिए, है ना, बहुत मतलब इफेक्टफुल या इम्पैक्टफुल होना चाहिए, और दूसरा महंगा भी होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो इम्पैक्टफुल भी है, महंगा भी है, ऐसा है आपका टीवी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इनफैक्ट लास्ट, व्हाट इज एडा इन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, तो विज्ञापन की दुनिया में एडा क्या है। तो ए कहलाता है सबसे पहले ग्राहक का अटेंशन खींचो, तो एडवर्टाइजमेंट ए फॉर एडवर्टाइजमेंट गलत है, ये तो तीनों ही कट गए, तो आपका डी ऑटोमेटिक हो गया। पैसे, सबसे पहले आपको ग्राहक का अटेंशन लेना होता है, फिर उसका इंटरेस्ट जगाना होता है, फिर उसकी इच्छा जगानी होती है, और लास्ट में उससे एक्शन दिलवाना होता है। तो विज्ञापन का मकसद क्या है या एडा क्या है, तो एडा को मैं अभी अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। सबसे पहले ग्राहक का अटेंशन खींचो, कहता है योर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर, बिकम्स अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। सपोज करो मैं हूँ, मैं आज से 3 साल पहले ऑनलाइन की दुनिया में नहीं था, और अब मैं ऑनलाइन की दुनिया में आ गया, तो सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, मैं ग्राहक का अटेंशन लेना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट, फिर मैं योर प्रोस्पेक्ट्स यानी भावी संभावित क्रेता बिकम्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। पहले तो मैं सबसे पहले उसका ध्यान खींचूंगा, फिर मैं लगातार जैसे वीडियोस डालता हूँ, तो कोशिश क्या है कि मैं उसके अंदर इंटरेस्ट जगाता हूँ, कि वो मेरे बारे में पूछे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में पूछे, कि सर आप कहाँ पढ़ाते हो, सर आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या, अच्छा सर आप क्या क्या दोगे, इंटरेस्ट डिज़ायर। फिर उसकी एक बार के लिए इच्छा उत्पन्न करना, मतलब मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाऊं कि उसकी इच्छा हो जाए कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, मुझे ये सैम्पल पेपर लेने चाहिए, यानी उसकी एक इच्छा जगाना। योर प्रोस्पेक्ट डेवलप्स है हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब है लालसा या उत्कंठा। योर प्रोस्पेक्ट डेवलप है हैंकरिंग और अ प्रेफरेंस टू परचेज योर प्रोडक्ट, मतलब उसमें आप लगातार उसमें इतना इंटरेस्ट जगाओ कि उसकी एक इच्छा उत्पन्न हो जाए, और लास्ट में उससे एक्शन करवाना है यानी उससे परचेज करवानी है। यू आर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर्म एन इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा टू परचेज द प्रोडक्ट, शॉप अराउंड देन बिगिन से ट्रायल और मेक्स अ परचेज। ये तीनों चारों हरकतें आप देखो क्या करो कि आखिर में कस्टमर क्या करे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करना शुरू करे, आपके दुकान पर आना जाना शुरू करे, ट्रायल चेक लेवे, और लास्ट में परचेज कर ले। तो ये होता है एडा मॉडल विज्ञापन का। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।